शिव पुराण की रुद्र संहिता में वो शंखचूड नाम के दैत्य की कथा है जिसकी सती पत्नी तुलसी थी। इस कथा के अनुसार तुलसी का पातिव्रत्य भंग भगवान विष्णु करते हैं। तुलसी ने उनको आप कठोर हैं, पत्थर जैसे हैं आदि आदि कहकर के शाप दिया कि आप भी पत्थर ही हो जाइए। भगवान विष्णु ने उस शाप को स्वीकार किया है और वहीं पर भगवान महादेव प्रकट हो जाते हैं और तुलसी को कहते हैं कि बिल्कुल भी चिंता मत करो, और तुमने किसी मनोरथ को लेकर के कभी तपस्या करी थी कि भगवान मेरे पति हों, और वह तपस्या अन्यथा हो नहीं सकती, इसलिए उसी तपस्या का ये फल प्राप्त हुआ है कि ये सब हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग दोगी और दिव्य देह धारण कर लोगी, लक्ष्मी के समान होगी, वैकुंठ में नित्य श्री हरि के साथ तुम्हारा विहार होगा। कहते हैं इस शरीर को जैसे ही तुम छोड़ोगी, शंखचूड की पत्नी तुलसी के रूप के रूप इस शरीर को जब छोड़ोगी तो वह गंडकी नदी के रूप में ये परिवर्तित हो जाएगा। तो गंडकी नदी का जो जल है, ये नदी का जो स्वरूप है, ये स्वयं तुलसी जी ही हैं। और इसके बाद में कहा कि मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का स्थान प्रदान हो जाएगा। तुम स्वर्गलोक में, मर्त्यलोक में और पाताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और तुम पुष्पों में श्रेष्ठ ऐसा तुलसी का वृक्ष बनोगी। तो तुलसी ही तुलसी का वृक्ष भी है, तुलसी ही गंडकी है। और फिर कहा कि तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारिणी वृक्षाधिष्ठात्री देवी बनकर के सदा एकांत में श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगी। इसके बाद ये कहा कि श्री हरि भी तुमने शाप दिया है तो पत्थर का रूप धारण करेंगे और उसी गंडकी नदी के जल के निकट निवास करेंगे, और उस नदी में तीखी दाढ़ों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काट करके उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वो अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालग्राम शिला कहलाएगी, और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि नाम भी होगा। विष्णु की शालग्राम शिला और वृक्ष स्वरूपिणी तुलसी का समागम सदा ही अनुकूल और बहुत प्रकार के पुण्यों की अभिवृद्धि करने वाला होगा। कहा कि हे भद्रे, जो भी व्यक्ति शालग्राम शिला, तुलसी और शंख इन तीनों को एक साथ रखता है वह श्री हरि का प्यारा होता है। फिर तो सनत कुमार जी इस कथा को कहते हुए कहते हैं कि शंभू के इस कथन को सुन करके तुलसी बड़ी प्रसन्न हुई है, उसके शरीर से गंडकी नदी प्रकट हुई है, वहाँ पर शालग्राम शिला के रूप में भगवान श्रीहरि अच्युत भी वहाँ पर विराजते हैं। और शिव पुराण से एक विशेष बात मिली है, वो मैं आपकी सेवा में जरूर रखूँगा, और वो ये है कि गंडकी नदी में यदि किसी को जाने का अवसर प्राप्त हो, वहाँ से शालग्राम शिला उठाने का यदि किसी को अवसर प्राप्त हो, तो जो जल में हैं उन शिलाओं को उठाना चाहिए। कहते हैं कि उनमें जो शिलाएँ गंडकी के जल में गिरती हैं वे परम पुण्यप्रद होती हैं और स्थल पर ही रह जाती हैं, वो पिंगला कही जाती हैं। इसलिए स्थल वाली न लेकर के जो जल में है ऐसी ही शालग्राम शिला को वहाँ से लेना चाहिए, यदि वहाँ जाकर के हमको शालग्राम शिला लेने का अवसर प्राप्त होता है। आज तुलसी और शालग्राम भगवान के स्मरण के साथ हमने शिव पुराण का यह प्रसाद प्राप्त किया। आप सबको ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा।